है वो आपको बता दें। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस बीच दिल्ली से कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज। जी हां, कांग्रेस की भी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज शाम 6 बजे कांग्रेस की बैठक ये होने जा रही है। बैठक में हरियाणा की टिकटों पर भी चर्चा होगी। हरियाणा कांग्रेस उम्मीदवारों पर मोहर लगेगी। तो दिल्ली से बड़ी खबर, कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। स्पर्श शर्मा संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। स्पर्श, आज दिल्ली में कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की भी बैठक होने जा रही है। देखिए बिल्कुल, कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज देखने को मिलती हुई नजर आएगी। पार्टी मुख्यालय में मल्लिकार्जुन खड़गे रहेंगे, सोनिया गांधी देखने को मिलती हुई नजर आएगी और अलग अलग राज्यों को लेकर, लगभग 9 राज्यों को लेकर आज कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में जो डिस्कशन है वो सीधे तौर पर जो है देखने को मिलता हुआ नजर आएगा। हरियाणा की भी बात करते हैं तो 3 से 5 सीटें ऐसी होती हुई नजर आ सकती है, जहां पर हरियाणा को लेकर भी डिस्कशन जो है सीधे तौर पर देखने को जो है मिलता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा भी कई ऐसे राज्य है जहां पर डिस्कशन जो है देखने को मिलता नजर आएगा। मध्य प्रदेश की बात करें, छत्तीसगढ़ की बची हुई सीटों की बात करें, तो तमाम तरीके से रणनीति को साधते हुए जो है जो कांग्रेस है वो भी टिकटों को लेकर आज शाम को मंथन करती हुई जो है नजर आएगी। लेकिन एक बात साफ है, इस चुनावों में स्पर्श कांग्रेस के लिए चुनौतियां बहुत ज्यादा है, क्योंकि एक तो अपना अस्तित्व बचाना और जो बाकी विपक्ष के साथ गठबंधन यहाँ पर किया हुआ है उसके साथ ये एक्सपेरिमेंट कितना ज्यादा कामयाब होता है ये भी काफी दिलचस्प होगा देखना इस चुनावों में। देखिए गठबंधन कांग्रेस जो है कर चुकी है, जहां जहां राज्यों में कांग्रेस को गठबंधन करना है, अब कांग्रेस अपनी सीटों को लेकर जो है मंथन जो है करती हुई नजर आ रही है। किस तरीके से जो है मजबूत कैंडिडेट उतारे जाए मैदान में, कई कैंडिडेट की बात करें तो वो जो है विधानसभा चुनाव लड़ने को जो है इच्छुक देखने को मिलते हुए नजर आते हैं, लेकिन कांग्रेस आलाकमान ये चाहता है कि वो लोकसभा चुनाव भी मैदान में जो है देखने को मिलते हुए नजर आए। ऐसे हरियाणा में भी कई सारे ऐसे कैंडिडेट देखने को मिलते हुए जो है नजर आते हैं, तो ऐसे में कांग्रेस बड़े चेहरों पर दाव जो है सीधे तौर पर लगाती हुई नजर आएगी और वो पहली लिस्ट में भी देखने को मिलता हुआ नजर आता है। जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की बात की जाए वो मैदान में देखने को मिलते हुए नजर आए थे, ऐसे में जो दूसरी लिस्ट आएगी उसमें भी कुछ इसी प्रकार के नाम देखने को मिलते हुए नजर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया स्पर्श शर्मा, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए, हम आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे।